आज हम विज्ञान विषय की कक्षा अष्टमी में पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले ये पता है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा जीव लेके एक बड़े सारे जीव तक उसे भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हैं कि हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे हमें गेहूं खाते हैं, बाजरा, जो भी है वो कहाँ से मिलता है, वो एक प्रकार की फसल होती है। हमें सबसे पहले फसल पे ध्यान देना है कि फसल किसे कहते हैं। फसल जब एक ही किस्म के पौधे, किस्म का मतलब है सारे के सारे एक जैसे होने, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने का मतलब है बहुत सारी जगहों पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है गेहूँ की फसल। गेहूँ की फसल का तात्पर्य है कि उस पूरे क्षेत्र में सिर्फ गेहूँ के पौधे हों, एक सीमित क्षेत्र में वहाँ गेहूँ के पौधे हो, तो उसे गेहूँ की फसल कहते हैं। और हमें पता है कि भारतवर्ष में हर जगह अलग अलग विविधता पाई जाती है, यानी वहाँ की जलवायु में परिवर्तन अलग अलग होते हैं, तो उसके आधार पर हमने फसल को दो भागों में बांटा है। एक है खरीफ फसल और एक है जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु यानी जब बारिश होती है उस वक्त बोया जाता है, बारिश होती है जून से सितंबर में, यानी वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे मक्का है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है आदि, वो सारी की सारी खरीफ की फसल आती है और उसे उस वक्त बोते हैं जब हमारे यहाँ बारिश आए या मानसून आता है। सेकेंड है रबी की फसल। रबी की फसल होती है शीत ऋतु, शीत यानी ठंड, अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर आदि, यानी ये है जो रबी के अंदर गेहूं, चना, मटर की फसलें बोई जाती है। फसल व फसल के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। अब है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम फसल को कैसे बो सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, उसका किस प्रकार मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो उस आधार पे हम सबसे पहले देखते हैं कृषि पद्धति। पद्धति का मतलब है कृषि किस पद्धति के आधार पर की जाती है। तो किसान के द्वारा अनेक क्रियाकलाप सामयिक यानी अनेक ऐसे काम होते हैं जो समय अवधि पर करता है, और इन्हीं क्रियाकलापों को हम कृषि पद्धति कहते हैं। उसके अंदर कृषि पद्धति को 7 चरणों में बांटा गया है, यानी 7 भागों में किया गया है जिसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, यानी कृषि जो किसान है खेत जोतने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है। सेकंड पे है बुआई करना, यानी उसके अंदर अनाज को बोना। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना उस फसल के अंदर। चौथा है सिंचाई। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार यानी ऐसे पौधे जो हमें अनावश्यक हो, फसल के बीच में ऐसे अनावश्यक पौधे उगने को खरपतवार कहते हैं, उनसे सुरक्षा करना। फिर है कटाई, उसकी कटाई करना। और फिर टॉपिक है भंडारण। आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1 फसल किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 2 कृषि पद्धति किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 3 है कृषि पद्धति को कितने चरणों में बांटा गया है, नाम लिखिए। धन्यवाद।